आप लोगों ने कैरमेल खीर कभी खाई है? नहीं ना, आपने नॉर्मल खीर खाई होगी पर कैरमेल खीर नहीं खाई होगी। तो चलिए आज हम कैरमेल खीर बनाते हैं। तो उसके लिए हम अलग से कैरमेल भी बनाएंगे और खीर भी। तो फाइनल रिजल्ट जो होती है वो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है और एकदम कैरमेल क्रीमी सा टेस्ट आता है, चॉकलेट सा टेस्ट आता है। तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 50 ग्राम्स जो है चावल ले लिए हैं, उसे भिगो के रख दिया था 1 घंटे के लिए, क्योंकि इसे भिगोना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी ही हम खीर बनाने वाले हैं। तो जितना चावल भिगोया होगा उतना पकाने में हमें कम समय लगेगा। तो देखिए इसे मैं हाथ की मदद से ऐसे टुकड़े टुकड़े कर ले रही हूँ, थोड़े से तोड़ दे रही हूँ जैसे वो छोटा छोटा से हो जाए और इसे थिक होगी, जो हमारी खीर बनेगी वो थिक होगी। और मैंने यहाँ पे तो बासमती चावल लिए हैं, आपके पास अगर बासमती चावल अवेलेबल नहीं है तो हम नॉर्मल चावल भी ले सकते हो, बस उसे साफ पानी से साफ कर देंगे, धो देंगे। और फिर मैंने यहाँ पे 1 लीटर जो है दूध ले लिया है, उसे मैंने यहाँ पे उबाल ले रही हूँ। और उसे उबालने के बाद करीबन 5 मिनट उबालने के बाद मैंने यहाँ पे चावल डाल दिए हैं। और मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध ही लिया था, मतलब पहले से मेरा दूध जो है वो पका हुआ नहीं था और मैंने अभी पकाया, उसके बाद चावल डाल दिए। चावल डालने के बाद इसे तुरंत घुमाएंगे जैसे वो तले में चिपके नहीं चावल। तो दूसरी साइड हम कैरमल तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के करीबन चीनी ले ली है, मतलब आधा कप ले लिया है चीनी का, और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। वैसे तो हमें पूरा 1 कप इसमें पानी डालना है पर पहले थोड़ा सा डालना है जिससे वो कैरमल बन जाए आसानी से। तो उसे हम स्लो गैस पे ही पकाएंगे, पहले हम चम्मच से मिक्स कर सकते हैं बट बाद में हमें उसे सिर्फ पैन को ही घुमाते हुए से पका लेना है। तो ये देखिए मेरा कैरमल जो है वो बनना स्टार्ट हो रहा है शुगर से। तो देखिए धीरे धीरे इसका कलर आता जाएगा, और देखिए जब इतना कलर आ जाए बस फिर इसमें हमें पानी डाल लेना है, पर पानी बहुत ही केयरफुली हमें इसे डालना है क्योंकि अभी हमें तुरंत पानी डाल देंगे सारा तो फिर वो छींटे उड़ेंगे। इसके लिए दूर रह के हमें ये पानी डालना होगा, थोड़ा थोड़ा करके पूरा 1 कप इसमें डाल देंगे हम पानी और बस इसे घुमाते जाएंगे। तो अभी मैंने गैस बंद कर लिया है क्योंकि ये कैरमल बन के तैयार है। तो चलिए जब तक हम देखते हैं हमारा खीर। तो ये देखिए खीर भी लगभग ऐसे पकाते हुए 15 मिनट हमें हो चुके हैं। तो उसके बाद हम कैरमल जो बनाया है इसमें डाल देंगे सारा कैरमल, और इससे जो उसका टेस्ट आता है ना वो बहुत बढ़िया आता है। और अभी देखिएगा कलर भी चेंज हो जाएगा, पहले वाइट था अभी क्रीमी कलर का टेक्सचर, अभी क्रीम कलर का कलर हो जाएगा। ये देखिए एकदम से कलर चेंज हो गया ना, पहले दूसरा था अभी दूसरा हो गया क्योंकि इसमें कैरमल गया इसके लिए, और अभी कैरमल का ही टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। बस फिर से ढक के हम लोग 15 मिनट तक और पकाएंगे जैसे वो थोड़ा सा थिक हो जाए। उसके बाद आप चाहे तो उसमें छोटे इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो और केसर भी डाल सकते हो, पर मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर नहीं डाला, सिर्फ केसर ही डाला है। अगर इलायची का पाउडर डाल देंगे ना तो जो हमारा कैरमल का टेस्ट है वो इतना निखर के नहीं आएगा। तो मुझे कैरमल का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो मैं स्किप कर रही हूँ। और फिर हम इसे तड़का देते हैं ड्राई फ्रूट का। तो मैं यहाँ पे हमेशा खीर हो या हलवा हो, ड्राई फ्रूट को मैं थोड़ा सा फ्राई करके बाद में ही डालती हूँ क्योंकि फ्राई करने से ये थोड़े से क्रंची हो जाते हैं और खाने में बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो मैं यहाँ पे कच्चे नहीं डालती, ऐसे फ्राई करके बाद में ही डालती हूँ घी में। और देखिए हमारे जो है ड्राई फ्रूट वो पक चुके हैं थोड़े, बस फिर इसमें ट्रांसफ़र कर दिए खीर में और बस अच्छे से खीर को सारे मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारी खीर भी लगभग आधी हो चुकी है, मतलब हमने यहाँ पे लिया था 1 लीटर दूध, अभी जाकर हमारा आधा लीटर दूध ही बचा है। तो क्योंकि चावल ने सोक कर लिया
और इसमें सारा फ्लेवर मिक्स हो गया। और ये एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कैरमल खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। बस ऊपर से आप ड्राई फ्रूट या केसर से सजा सकते हो, और इसे गर्मा गर्म भी खाओ तो भी चलेगा और ठंडा ठंडा खाओ तो भी चलेगा। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करो। थैंक यू।